स्थानीय जैन धर्मशाला सभागार में भाजपा ने आपातकाल दिवस को काला दिवस के रूप में मनाया। पार्टी द्वारा प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन कर काला दिवस पर परिचर्चा की गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष दुर्गाराज और संचालन जिला उपाध्यक्ष प्रेम पंकज लल्लन जी ने किया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत शामिल हुए और अपनी बातें रखी। 25 जून 1975 को देश के अंदर इमरजेंसी लगी, और इमरजेंसी इसलिए लगी कि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का चुनाव अवैध हो गया था और देश भर में लोकनायक जयप्रकाश जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के विरुद्ध पूरा आंदोलन पूरे देश में चल रहा था, संपूर्ण क्रांति का। इस बीच में अवैध घोषित होने से उन्होंने यहाँ लोकतांत्रिक परंपरा को समाप्त कर दिया, नागरिक अधिकार समाप्त कर दिए, प्रेस की का अधिकार समाप्त कर दिया। इसके कारण देश में इमरजेंसी लगी। उस इमरजेंसी के समय 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक लोकतंत्र की पुनः स्थापना के लिए पूरे देश भर में आंदोलन चले। लोगों ने बलिदान दिया, उत्पीड़न सहना, अत्याचार सहना, फिर भी है ना लोकतंत्र की स्थापना के लिए काम करते रहे। ऐसे महान सेनानियों को मैं नमन करता हूँ। और आज जब कांग्रेस कभी कभी ये कहती है, राहुल गांधी विदेश में जाके ये कहते हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है, उनको राहुल गांधी जी को चाहिए और कांग्रेस को चाहिए कि 1975 के अंदर जिस तरह का आपातकाल लगा के देश में तानाशाह सौंपा गया था, संवैधानिक संस्थाओं को लोकतांत्रिक संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया गया था, क्या वो लोकतंत्र था? आज सबको आज़ादी है देश का लोकतंत्र को संरक्षित करने के लिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है और लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। आज के समय मैं कह सकता हूँ कि आज आपके पटना में सारे विपक्ष के लोग एक हुए थे, और एक होने के बाद हमेशा ये कहते हैं कि हम एक होकर लड़ेंगे। उनको पूछो जिन्होंने इमरजेंसी के अंदर कांग्रेस के विरुद्ध संघर्ष किया, वो भी इनके साथ जुड़े। ये मीना मेल का इनका जो समझौता है वो भारतीय जनता पार्टी के सामने टिकेगा नहीं। भारत की जनता इन लोगों को पहचान चुकी है और विपक्षी एकता का नारा है देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। आपने देखा होगा लालू जी ने एक तान कसा था कि राहुल जी आपकी शादी में आप कब दूल्हा बन रहे हो, इसका मतलब दो था, क्योंकि एक दूल्हा बने हुए आपके मुख्यमंत्री मुख्य प्रधानमंत्री के लिए दूल्हे बने हुए हैं, दूसरे उन्होंने राहुल को दूल्हा बना के उनके अंतर्भेद है वो उन्होंने पकड़ कर दिया। अंतर्भेद वाले विपक्षी कभी एकजुट होकर जनता का विश्वास नहीं ले सकते। जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इन 9 वर्षों में मोदी जी ने देश की मजबूती के लिए आम छोटे वर्गों के लिए, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, OBC, उनके लिए काम किया है। और देश में आम व्यक्ति यह सोचता है कि देश में एक मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। सर, पटना में जो मीटिंग हुई थी उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का डिस्प्यूट सामने आ गया, केजरीवाल भरी पीसी छोड़कर चले गए, क्या आपको लगता है कि जो शिमला समझौता होगा उस पर बात बन पाएगी या फिर 3-13 ही? देखिए, 3-13 ही होने वाले हैं। ये विपक्षी दलों को अपने ये लग रहा है कि हम एक होंगे, परंतु मंच पे एक दिखते हैं, दिलों में भी भिन्न है। इसलिए 13 ये एक होने वाले नहीं है, और जनता को भ्रमित करने के लिए कुछ समय तक एक हो जाए तो रंगे सियार की तरह लगेंगे और भी आने वाले समय में उसी तरह वो है ना आपस में अंतर्द्वंद के लिए लड़ते रहेंगे। अंतिम सवाल, 2024 के लोकसभा चुनाव में 1 साल से कम का वक्त रह गया है, अब बीजेपी किस आधार पर अपनी स्ट्रैटेजी बनाएगी? तो बीजेपी प्रधानमंत्री कि जो हमारे जन कल्याणकारी काम है, जन कल्याणकारी योजना है, देश को मजबूती करने के लिए, जिस तरह सीमा की सुरक्षा के लिए, देश को सुरक्षित करने के लिए
काम हुए हैं, देश के अंदर जो आतंकवाद को समाप्त किया है और देश में आम युवाओं को रोजगार देने के लिए जो काम हुए हैं, मुद्रा योजना के से लोगों को नए काम मिले हैं, इसलिए मैं कह सकता हूँ देश हर दृष्टि से आगे बढ़ा है और देश की जनता को विश्वास है नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी। भूषण सिंह की रिपोर्ट।